मैं एक एडवोकेट हूँ, तो संक्षेप से मैं बताना चाहूंगी कि पर्सनल लॉ क्या होता है और पर्सनल लॉ होने के प्रभाव क्या होते हैं। पर्सनल लॉ से संबंधित है कि किस प्रॉफेसी को हम मानते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं उससे संदर्भित कानून, जैसे मुस्लिम लॉ है, जैसे हिंदू लॉ है। हिंदू लॉ बकायदा कोडिफाइड है, उसका बकायदा संहिताकरण किया हुआ है और इसी संहिताकरण होने की वजह से आज हिंदू संगठित है, मुसलमान संगठित है। लेकिन बहुजन समाज के वो लोग जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट धर्म के अनुयायी है या अपने धर्म की कानूनी मान्यता चाहते हैं, उनके पास अपना व्यक्तिगत लॉ नहीं है। इसके पीछे कारण हमारे काफी ज्यादा है। सबसे बड़ी ताकतें तो वो मनुवादी ताकतें हैं, जिन्होंने हमारा दिमाग इतने सालों से मुख्य मुद्दों से हटा के रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी हेजोमनी बना के रखनी है, अपना वर्चस्व बना के रखना है। और अगर हम गरिमा से जीना चाहते हैं, कानूनी अधिकार चाहते हैं, संपत्ति के अधिकार चाहते हैं, वैवाहिक अधिकार चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास व्यक्तिगत लॉ होना जरूरी है। और देखिए, व्यक्तिगत लॉ होने के इतने ज्यादा कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इतने ज्यादा अच्छे लाभ होते हैं, लेकिन इस मुद्दे को अभी तक किसी ने उठाया नहीं। मैं धन्यवाद करती हूँ मुकुंद केले सर का कि इन्होंने इतना प्रमुख मुद्दा इतनी शिद्दत के साथ उठाया है। और मैं बहुजन साथियों से अपील करती हूँ कि जितने से जितनी संख्या में वो अपना इस मुद्दे को लेकर सहयोग दे सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर साथ दे सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर इस सभा में दूर से इंतर से किसी दूर से पूरे हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष से आकर सभा कर सकते हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, अपील करती हूँ कि ऐसी सभाएं लगातार करने में अपना तन मन धन जो भी वो दे सकते हैं देने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमारा व्यक्तिगत लॉ होगा, हमारा पर्सनल लॉ होगा, तभी हम तरीके से संगठित हो सकेंगे, तभी हम अपनी जनसंख्या को, अपनी संख्या को इस देश में कानून तरीके से पेश कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी हैसियत बता सकते हैं कि हाँ बुद्धिस्टों के क्या अधिकार हैं, बुद्धिस्टों की क्या, अगर एक शब्द जो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आप सबको फिर भी बताना चाहती कि बुद्धिस्टों की क्या औकात है पूरे भारतवर्ष में, कि हाँ हम हैं, हमें स्वीकार करिए, हमारे अधिकार दीजिए, हमें अवॉइड मत करिए। ये तभी संभव है जब हमारा व्यक्तिगत लॉ हो पाएगा। और व्यक्तिगत लॉ तभी हो पाएगा जब आप सब साथ होकर एक क्रांति करने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत लॉ को मान्यता इतनी आसानी से ना तो मिली है ना मिल सकती है। क्योंकि जिस दिन बुद्धिस्टों को अपना पर्सनल लॉ मिलेगा, उस दिन हिंदुओं को करारी चोट लगेगी। और हिंदू बहुजनवादी ताकतें कभी नहीं कहेंगी कि बहुजनवादी ताकतों को आगे बढ़ने दिया जाए, मनोवादी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी कि बहुजनवादी ताकतों को आगे बढ़ने दिया जाए, बुद्धिस्टों को उनका अधिकार मिले। इसलिए मैं आप सबसे अपील करते हुए और आप सभी का धन्यवाद करते हुए, इतनी धूप में आप सब लोग इतनी शांति से बैठ के सुन रहे हैं, आप सभी से अनुरोध करते हुए कि आपने तन मन धन से जितना जोर सहयोग जिससे हो सकता है वो दें, क्योंकि ये हमारी काफी लंबी कानूनी लड़ाई है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी का अधिकार लेने में हम इस सालों लग जाते हैं, ये तो हमारा पर्सनल लॉ है। और वो भी पर्सनल लॉ उन लोगों से हमें लेना है जो जिन्होंने इतने सालों से हमें दबा के रखा है, हमें इंसान मानने से इनकार किया है। तो आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।